अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 में भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे 1.3 में अगर आप देखो तो कुछ सम सबसेट के ऊपर बेस्ड है और कुछ सम वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आज आपको सबसेट वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और कल जब मेरा लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग वेन डायग्राम कवर कर लेंगे और इसी ही के साथ आपको 1.3 भी फिनिश हो जाएगा। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जरा भी इस चीज की टेंशन मत लो कि हमारा मैथ्स कैसे होगा। मैथ्स तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं हो ही जाना है। टेंशन इस चीज की लो कि हमारा लर्निंग सब्जेक्ट कैसे होगा। तो इस चीज पे जोर दो कि हम किस तरह से मराठी याद करें, किस तरह से हिस्ट्री याद करें, किस तरह से ज्योग्राफी याद करें, किस तरह से साइंस याद करें। मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये सारे सब्जेक्ट्स जिनका मैंने पहले नाम लिया था। चलो शुरू करते हैं। सबसेट ना सबसेट क्या जानता हूं मैं सबसेट के बारे में, या सबसेट किसे कहते हैं। दो तीन एग्जांपल दूंगा जरा समझने का। हर छोटी चीज अपने बड़े सेट का सबसेट होती है। सुने हर छोटी चीज अपने से बड़े वाले सेट का सबसेट होती है। कुछ एक्सेप्शन है यहां पर, जैसे जिसको सबसेट होना है उसके सारे एलिमेंट अपने से बड़े वाले सेट में आना चाहिए। जैसे सुनने का मैं शुरू किया हूं आपको इंशाल्लाह, जैसे ही मैं खत्म करूंगा चीज समझ में आ जाएगी। हम सबसेट का जिक्र कर रहे हैं, हर छोटी चीज अपने से बड़े वाले चीज का सबसेट होती है। शर्त यह है कि छोटी चीज के एलिमेंट बड़े वाले में आने चाहिए। जैसे मैं कहूं एक ए नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स है, वाई है और जेड है। मैं कहूं एक ई नाम का सेट है, उसके अंदर एक्स है, जेड है। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ई ए का सबसेट है, मैंने दो सेट लिया, पहले वाले सेट का नाम है ए, उसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। दूसरे वाले सेट का नाम है ई, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक्स एंड जेड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ई ए का सबसेट है, तब बोलोगे हां। कैसे? देखो ये बड़ा है, इसके पास तीन एलिमेंट है, इसके पास दो एलिमेंट ही छोटा है, तो हर छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट होगी। लेकिन एक शर्त कि छोटे वाले के एलिमेंट बड़े वाले के एलिमेंट से मैच करना चाहिए। जैसे क्या इसके पास का एक्स यहां है? हाँ है। क्या इसके पास का जेड यहां है? हाँ है। तो ये छोटा भी है और ये इनमें से भी है, इसलिए आप कहोगे ई इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। ये सबसेट का सिंबल है, ऐसा थोड़ा सा सी बनिए बन। ठीक, अरे ठीक। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए ई का सबसेट है, आप बोलोगे नहीं, इसके पास दो एलिमेंट है, इसके पास तीन एलिमेंट है, बड़ी चीज छोटे वाले का सबसेट नहीं। छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट होती है, शर्त जो छोटे के एलिमेंट है ना वो बड़े के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछे कि आप सबसेट के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे?
हर छोटी चीज अपने बड़े वाले का सबसेट होती है। शर्त यह है कि जो छोटे वाले के एलिमेंट है वो बड़े वाले के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे थोड़ा और रोशनी डालते हैं चीजों पे। देखो अब अगर मैं केस चेंज करूं, सुन रहे हो, अब अगर मैं केस चेंज करूं और यहां पर बोलता हूं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या ई ए का सबसेट है, तो आप कैसे सोचोगे? ए के पास तीन एलिमेंट, ई के पास दो एलिमेंट, हर छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट होती है, लेकिन जो छोटा वाला है ना उसके एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जेड बिलोंग कर रहा है, एम बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या ये एम यहां पे दिख रहा है? नहीं है। तो हर छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट होती है, शर्त छोटे वाले के एलिमेंट बड़े वाले से बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो फिर से अगर देखें, सबसेट किसे कहा जाता है? हर छोटी चीज अपने बड़े वाले सेट का सबसेट होती है, शर्त कि जो छोटे वाले के एलिमेंट है वो बड़े वाले के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। जेड है लेकिन एम नहीं है, तो ये छोटा तो है, सिर्फ छोटे होने से आप सबसेट नहीं कहोगे, छोटे के एलिमेंट बड़े वाले से बिलोंग भी करना चाहिए। तो एक बिलोंग कर रहा है, एक बिलोंग नहीं कर रहा है, आप बोलोगे इट इज नॉट अ सबसेट। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लासरूम है, सही, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं वो इस बिल्डिंग का नाम है तनवर बाग ए वी, है ना। जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लासरूम इस बिल्डिंग का सबसेट है। सुने, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लासरूम इस बिल्डिंग का सबसेट है, ये क्लासरूम इस बिल्डिंग का सबसेट है। कैसे 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 साबित कैसे करोगे? ये क्लासरूम की लंबाई या चौड़ाई या एरिया इस बिल्डिंग के एरिया से छोटा होगा, तो हर छोटी चीज अपने बड़े वाले का सबसेट होती है, और ये क्लासरूम इस बिल्डिंग का हिस्सा है, ये क्लासरूम जहां मैं पढ़ा रहा हूं वो इस बिल्डिंग का हिस्सा है, तो ये क्लासरूम इस बिल्डिंग से एरिया वाइज छोटा भी है, ये क्लासरूम इस बिल्डिंग का हिस्सा भी है, इसलिए ये क्लासरूम तनवर बाग का सबसेट है, इसलिए ये क्लासरूम तनवर बाग का सबसेट है। ठीक, वही 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 अगर मैं बोलूं कि ये क्लासरूम जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, जैसे मान के चलो कि आप अलमास में रहते हो, अलमास कॉलोनी, तो क्या ये क्लासरूम जहां मैं पढ़ा रहा हूं वो अलमास कॉलोनी का सबसेट होगा? नहीं। क्यों क्यों नहीं? ये क्लासरूम अलमास कॉलोनी की जो बिल्डिंग है उससे छोटा है, लेकिन सिर्फ छोटे से काम नहीं होता है। क्या ये क्लासरूम अलमास कॉलोनी का हिस्सा है? नहीं, ये क्लासरूम तो तनवर बाग का हिस्सा है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लीन करने का और क्लियर करने का कि सिर्फ छोटे होने से वो सबसेट नहीं कहलाता है, सिर्फ छोटे होने से वो सबसेट नहीं कहलाता है, जो छोटा है उसके एलिमेंट बड़े वाले से बिलोंग भी करना चाहिए। दो चीज देखने का, क्या वो छोटा है, क्या उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो वो सबसेट है, अगर ऐसा नहीं रहा तो सबसेट नहीं है। ठीक, समझा? सम पे चले, देखने का। एक ए नाम का सेट है, उसके अंदर ए बी सी डी ई नाम के एलिमेंट है, वही बी नाम का सेट है जिसके अंदर सी डी ई एफ नाम का एलिमेंट है, फिर एक सी नाम का सेट है और एक डी नाम का सेट है, मेरे पास चार सेट है और हर सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल, ये ट्रू है या फॉल है, ये ट्रू है या फॉल्स 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 है, इसको पता लगाना है। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
हमको पता लगाना है क्या सी बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, क्या डी बी का सबसेट है, क्या डी ए का सबसेट है, क्या बी ए का सबसेट है, क्या सी ए का सबसेट है। अगर इसका दिया हुआ आपको लगे ठीक है तो ट्रू लिख देना, अगर इसका दिया हुआ लगे ठीक नहीं है तो फॉल्स लिख देना। ठीक है, चलो देखते हैं। सब ध्यान से कान खोल, देखो सी बी का सबसेट है ना, इसका दिया हुआ सही लगे तो ट्रू है, गलत लगे तो फॉल्स। अब कैसे, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, सी और बी में मुकाबला होगा। सी के पास भी दो एलिमेंट है और बी के पास चार एलिमेंट है, जिसको सबसेट होना है वो छोटा होना चाहिए। इसके पास दो एलिमेंट है, इसके पास चार एलिमेंट है, हाँ छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट है, छोटा देखो गिनो, एक दो तीन चार, जिसको सबसेट होना है ना वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा है ना, दो और चार छोटा है। ठीक, पहली चीज सही है, लेकिन क्या क्या ये बी यहां दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या डी दिखाई दे रहा है, हाँ है ना, तो एक चीज दिखाई दे रही है दूसरी चीज नहीं दिखाई दे रही है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा है ना। सिर्फ छोटा है ये देख के मैं उसे सबसेट नहीं कह सकता हूं, जो छोटा है उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग भी करना चाहिए, तो एक बिलोंग कर रहा है एक बिलोंग नहीं कर रहा है, हर चीज बिलोंग करना चाहिए। ये कहा हुआ जुमला से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए क्या है फॉल्स, बस आपको इतना ही लिखना है, फॉल्स एंड ट्रू। तो मुझे लगा, मुझे ये लगा कि हाँ ये चीज छोटी है ये चीज बड़ी है, बड़े छोटे वाली सबसेट वाला ठीक था, लेकिन छोटे के एलिमेंट बड़े से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ये सबसेट कह रहा है इससे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए क्या है ठीक। तो दो दो क्राइटेरिया चेक करने का, जिसे सबसेट कहा जा रहा है क्या वो छोटा है, जिसे सबसेट कहा जा रहा है उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब ए और डी को देखते हैं। ए के पास एक दो तीन चार पांच लोग, डी के पास दो लोग, सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, ए के पास पांच लोग, डी के पास दो लोग, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, सुन रहे हो, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, बड़ा थोड़ा छोटे का सबसेट होता है, समझ आई बात, हर छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, तो छोटे को बड़े का सबसेट होने का था, यहां पे बड़ा सबसेट है छोटे का, गलत कह रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, यहां पे क्या आएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, आना चाहिए आगे आगे। डी इज अ सबसेट ऑफ बी, चलो डी के पास कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, बी के पास कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, दो चार, हाँ छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट है, छोटी चीज बड़े वाले का सबसेट है। अब जरा एलिमेंट चेक कर लेते हैं, क्या जो छोटा है उसके सारे एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं। चलो ए यहां नहीं है, है क्या ए नहीं, ई यहां पे है, ए यहां पे नहीं है, ई यहां पे है, दोनों ही एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए था जो कि नहीं कर रहे हैं, तो छोटी चीज बड़े का सबसेट तो है, छोटी चीज बड़े का सबसेट तो है, लेकिन छोटे के एलिमेंट बड़े से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मैं इस जुमले से सहमत नहीं हूं। सिर्फ छोटा और बड़ा पे आप फैसला नहीं करोगे, आपको ये भी देखना होता है कि जो सेट छोटा है उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। तो हाँ छोटा बड़े का सबसेट है, यहां तक ओके, लेकिन छोटे के एलिमेंट बड़े से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। नेक्स्ट
डी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के पास दो लोग हैं, ए के पास पांच लोग हैं, नेक्स्ट डी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के पास दो लोग हैं, ए के पास पांच लोग हैं, तो टू एंड फाइव, हाँ छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है। अब जो छोटा है उसके एलिमेंट चेक कर लेते हैं, ए हाँ बिलोंग कर रहा है, ई हाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है ट्रू, सही। डी ए से छोटा भी है, डी के एलिमेंट ए से बिलोंग भी कर रहे हैं, हाँ मैं इसके कहे हुए जुमले से सहमत हूं, ये क्या आएगा ट्रू, क्या आएगा ट्रू, समझ आ रहा है एकदम आसान है। दो चीज पे देखने का, एक छोटा बड़ा और एक एलिमेंट बिलोंग करते हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी के पास चार लोग, ए के पास पांच लोग, बी के पास चार लोग, ए के पास पांच लोग, हाँ छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, ये सही है, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, लेकिन क्या छोटे के एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं, देखते हैं। सी हाँ बिलोंग कर रहा है, डी हाँ बिलोंग कर रहा है, ई हाँ बिलोंग कर रहा है, एफ नहीं, एफ बिलोंग नहीं कर रहा है, सुने, बी ए से छोटा है लेकिन बी के एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसके दिए हुए जुमले से मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या आएगा फॉल्स, सुने। और एक और चीज सुनो, सी मैच किया, बी मैच किया, ई मैच किया, एफ नहीं मैच किया, आप ये नहीं बोलोगे सर मेजॉरिटी विन, नहीं, बी का हर एक एलिमेंट मैच करना चाहिए, अगर एक भी मिसमैच किया ना तो वो सबसे नहीं है, ठीक है। तो तीन चीज मैच कर रही है, एक चीज मैच नहीं कर रही है, तो भी आप उसको नॉट अ सबसेट करो, तो यहां पे तो सबसेट कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा फॉल्स, ठीक। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते रहो ताकि भूल ना जाए। चलो, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी के पास दो लोग हैं, ए के पास पांच लोग हैं, ठीक है, सी के पास दो लोग हैं, ए के पास पांच लोग हैं, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, ठीक, लेकिन क्या छोटे के एलिमेंट बड़े से बिलोंग कर रहे हैं, बी हाँ बिलोंग कर रहा है, डी हाँ बिलोंग कर रहा है, सी ए से छोटा भी है, सी के एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, हां मैं इस जुमले से सहमत हूं, तो ये क्या आ गया ट्रू, क्या आ गया ट्रू, तो आपको समझ में आया, बस इतना ही लिखना है ट्रू है या फॉल्स, जहां जहां लगे इसका दिया हुआ सही है वहां पे ट्रू लिखना, जहां जहां लगे इसका दिया हुआ सही नहीं है तो फॉल्स लिखना। मैं अंत में एक चीज और रिवाइज करवा दूं, सबसेट, हर छोटी चीज अपने बड़े वाले का सबसेट होती है, हर छोटी चीज अपने बड़े वाले का सबसेट होती है, लेकिन जो छोटा है ना उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग भी करना चाहिए, तो आप सिर्फ छोटे बड़े पे फैसला नहीं करोगे, जो छोटा है उसके एलिमेंट बड़े से बिलोंग भी करना चाहिए, ठीक, समझ गया। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, एक्सरसाइज 1.3 मेन क्वेश्चन 4, जो मैंने सम नंबर 2 और सम नंबर 3 छोड़ दिया हूं वो वेन डायग्राम पे बेस्ड है, जो मैं आपको कल कवर करवाऊंगा, सही है। अभी हम लोग आज 1 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं, कल हम लोग 2 और 3 कर लेंगे, और जो बचा 6 और 7 वो आपके पोर्शन से ओमिट कर दिया गया है, समझ आ रही बात। आज मैं क्या क्या करवाने वाला हूं, सम नंबर 1, सम नंबर 4 और सम नंबर 5, ठीक, ये सारे ये जो तीन जो सम मैं आज करवा रहा हूं वो सबसेट पे बेस्ड है, कल हम वेन डायग्राम वाला सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3,
और जो इस एक्सरसाइज का सम नंबर 6 और 7 है वो आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो मेरे पास एक सेट है ए नाम का, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 2, 7। मेरे पास एक सेट है ए नाम का जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 2, 7 और क्वेश्चन कहता है इस सेट ए का 3 सबसेट दो। सुने सवाल, सुनो सवाल, जवाब खुद बताना। मेरे पास एक सेट है ए नाम का जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 2, 7 और क्वेश्चन कहता है जो सेट ए है ना उसके 3 सबसेट दो, 3 सबसेट दो। अब देखो देखो मैं कैसे सब देखने का। पहला सबसेट 1 कॉमन डाल दो, दूसरा सबसेट 3, तीसरा सबसेट 2। ये रही उसकी मांगी हुई चीज, ये रही उसकी मांगी हुई चीज। वैसे तो इसके और भी सबसेट निकलते हैं, जैसे 1, 3 भी इसका सबसेट है, 1, 2 भी इसका सबसेट है, 1, 7 भी इसका सबसेट है, 3, 2 भी इसका सबसेट है, 3, 7 भी इसका सबसेट है, 2, 7 भी इसका सबसेट है, 1, 3, 2, 7 भी इसका सबसेट है और एक नल सेट भी इसका सबसेट है। तो ये सारे सबसेट हैं। सुन रहे हो, ये भी सबसेट है, 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 ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है। तो अगर कोई मुझसे मांगे ना कि ए के पॉसिबल सबसेट दो, ए के पॉसिबल सबसेट दो, तो मैं सब दे सकता हूं। सबसेट क्या क्या कंडीशन होती है सबसेट की? जिसको सबसेट होना है वो अपने बड़े सेट का छोटा होना चाहिए। तो देखो इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास 4 एलिमेंट है, हाँ ये छोटा है और ये बड़ा है, प्लस 1 इससे बिलोंग कर रहा है, 3 इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये छोटा भी है, इसके एलिमेंट इससे बिलोंग भी कर रहे हैं, ये सबसेट है। वैसे ये भी देखो 2, 4 छोटा है एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 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 छोटा है एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अभी देखो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, याद करो याद करो। मंडे के बाद कैलेंडर खुल के बैठे हुए क्या? नहीं ना, मंडे के बाद ट्यूजडे, ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे, मैसेज। हर सेट अपने आप में सबसेट होता है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये सेट इसका सबसेट है। तो क्या बोलोगे इसको? छोटा वाला छोटा होना चाहिए, मैं उसको बाजू में रखू, कुछ चीज याद करने वाली होती है। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो उस जुमले पे ये सबसेट कहलाएगा। हर खाली सेट किसी मांगे हुए सेट का सबसेट होगा या दिए हुए सेट का सबसेट होगा। तो अगर क्वेश्चन मुझको बोले ना कि पॉसिबल सबसेट लिखो, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटी नहीं दूंगा। सही, मैं इतने सारे लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे साफ साफ कह रहा है राइट एनी थ्री, राइट एनी थ्री। जब क्वेश्चन मुझसे सिर्फ 3 ही चीज मांगा है तो 3 चीज दो ना, और उस 3 में भी सबसे आसान वाला दो ना। इंसान के बच्चे हो ना, इंसान का बच्चा क्या करता है या इंसान क्या करता है? इंसान आसानी तलाश करता है। तो पॉसिबल देखने जाऊं तो दुनिया भर के सेट निकल के आ जाएंगे, तो अपने को दुनिया भर के सेट नहीं देंगे, अपने को सिर्फ 3 सेट देने का है, वो भी आसान वाला। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या करा, मैंने एक को पकड़ा एक सेट में डाला, दूसरे को पकड़ा दूसरे सेट में डाला, तीसरे को पकड़ा तीसरे सेट में डाला। क्या 3 सेट आ रहे? हाँ। अब देखो क्या ये पहला वाला इसका सबसेट है? हाँ। इसके पास 1 एलिमेंट है, इसके पास 4 एलिमेंट है, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है। क्या इसका एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है? हाँ। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, ये इसका सबसेट है।
इसके पास एक एलिमेंट है, इसके पास चार एलिमेंट है, छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, इसका तीन इससे बिलोंग कर रहा है, छोटा बी है तीन में बिलोंग भी कर रहे हैं, हाँ ये भी सबसेट है। वैसे ये भी एक और चार छोटी चीज बड़े का सबसेट होती है, इसका एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, हाँ ये भी सबसेट है। तो जो मुझसे तीन सबसेट मांगे गए थे ना वो ये रहे। अरे ठीक, अगर अगर क्वेश्चन कहता जाओ मेरे लिए चार सबसेट वाले लेके आओ, तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, तीन हो गए, जरा पे बचाओ है ना, इसको दे दो सही। अगर क्वेश्चन कहता जाओ मेरे लिए पांच सबसेट लेके आओ, तो मैं बोलता हूं पहली बार काम किया एक एक एलिमेंट को सेट में डाल रहा था, अब दूसरी बार काम करूंगा दो एलिमेंट को डाल रहा था। तो वो जितना मांगे उतना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि पहले इजी वाला प्रोवाइड करें। तो ये आपका सम खत्म है, इतना आसान है, सिर्फ समझ का खेल है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक बार फिर देखें क्वेश्चन, एक सेट दिया है ए नाम का, उसके अंदर चार एलिमेंट है और मुझे उस सेट के तीन सबसेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट को एक सेट में बंद किया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट में बंद किया, तीसरे एलिमेंट को तीसरे सेट में बंद किया। मैं क्यों तीन ही सेट क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे सिर्फ तीन ही सेट मांगा गया। फिर चेक करो, हाँ चीज छोटी है, हाँ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इट इज अ सबसेट। हाँ चीज छोटी है, हाँ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इट इज अ सबसेट एंड दिस इज ऑल्सो अ सबसेट। मुझे मांगा हुआ दे दिया, काम खत्म, सब नंबर फोर से इतना ही लिखना है सॉल्यूशन में, तीन चीज बस, और ज्यादा तामझाम नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं एक और सम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 मेन क्वेश्चन 5 देखने का, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। मेरे पास अगर आप देखो ना, तो मेरे पास चार सेट है, एक पी नाम का, एक एम नाम का, एक आई नाम का, एक बी नाम का और एक एच नाम का। मेरे पास कितने सेट है पूरे, पांच, पांच सेट है, पांच, सही कि नहीं। एक पी नाम का, एक एम नाम का, एक आई नाम का, एक बी नाम का और एक एच नाम का। अब सुनना ध्यान से, देखो सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ दिमाग चाहिए मेरे को। पी नाम के सेट में वो सारे लोग रहते हैं जो पुणे से बिलोंग करते हैं। पुणे जानते हो क्या, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में आता है, पता ही होगा, आप कह सकते हो पुणे इज अ सिटी। एम नाम का सेट है, उसमें वो सारे लोग जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसी ही तरह से मध्य प्रदेश भी एक स्टेट है। तो मैं देख रहा हूं कि पहले सिटी का जिक्र हुआ और फिर स्टेट का जिक्र हो रहा है। आई नाम का सेट है, उसके अंदर वो सारे लोग जो इंदौर से बिलोंग करते हैं। पुणे एक सिटी है, वो महाराष्ट्र में आती है, वैसे ही इंदौर एक सिटी है जो मध्य प्रदेश में आती है। ठीक, अरे ठीक, तो ये सिटी है, ये स्टेट है, ये सिटी है, इंडिया, इंडिया कंट्री है, कंट्री सबसे बड़ी है ना, मतलब सबसे बड़ी कंट्री नहीं, लेकिन अमंग सिटी स्टेट एंड कंट्री अगर मैं देखूं तो ये सबसे बड़ा सेट होगा। तो इंडिया फिलहाल जिस पे बात हो रही है उनमें सबसे बड़ा है, ठीक है ना? तो इंडिया एक कंट्री है, तो सिटी का जिक्र हुआ, स्टेट का जिक्र हुआ, फिर किसका जिक्र हो गया, कंट्री का। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है। आगे महाराष्ट्र, आप जानते ही हो आप महाराष्ट्र में ही रहते हो, ये क्या है, स्टेट। अब क्वेश्चन कहता है कि चलो इसमें सबसेट रिलेशन, क्या रिलेशन दो, सबसेट रिलेशन। अब सुनना, एकदम ध्यान सुनना,
एकदम ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ना सिटी से शुरू करता हूं, सुने मेरी सोच, सोचो मेरा लॉजिक सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। सिटी स्टेट कंट्री जो सबसे छोटा है वो पहले, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, ठीक। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि जो सिटी है वो स्टेट का सबसेट है, जो सिटी है वो कंट्री का भी सबसेट है, सही है? अरे सही कि नहीं? अगर आप इसको देखो, अगर आप सेट को अगर आप ध्यान से देखो, पी नाम का सेट उसमें पुणे में रहने वाले लोग, एन नाम का सेट उसमें मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग, आई नाम का सेट उसमें इंदौर में रहने वाले लोग, बी नाम का सेट उसमें इंडिया में रहने वाले लोग, एस नाम का सेट उसमें महाराष्ट्र में रहने वाले लोग। तो अगर आप कंपेयर करो, अगर आप सोचो तो कहीं कहीं पे सिटी का जिक्र हो रहा है, कहीं कहीं पे स्टेट का जिक्र हो रहा है, कहीं कहीं पे कंट्री का जिक्र हो रहा है। उसको ऐसा असेंडिंग फॉर्म में लिखो, पहले छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा लिखा। फिर क्या बोलने का, हर सिटी स्टेट का सबसेट होगी और बाद में हर सिटी कंट्री का भी सबसेट होगी। तो देखो 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 कितनी सिटी मेरे पास, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, सही? अरे सही हर सिटी स्टेट का सबसेट होगी। तो देखो क्या पुणे महाराष्ट्र के अंडर में आता है, हाँ। क्या पुणे महाराष्ट्र से छोटा है, हाँ। तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, तो पुणे का पी है, महाराष्ट्र का एच है, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र से छोटा भी है, पुणे महाराष्ट्र में भी आता है। अगर बात सिटी की ही हो रही है तो मेरे पास और सिटी अवेलेबल है, मध्य प्रदेश नहीं तो स्टेट है, इंदौर, हाँ। इंदौर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, इंदौर आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, एच से रिप्रेजेंट हो रहा है। तब बोलोगे नहीं ये गलत है, ये गलत है। कैसे? इंदौर महाराष्ट्र से छोटा है, ठीक, इंदौर महाराष्ट्र से छोटा है क्योंकि ये सिटी और स्टेट है, सिटी छोटा होता है, लेकिन क्या इंदौर महाराष्ट्र में आता है, नहीं। तो अगर आप ये बोल के कि सिटी स्टेट से छोटा होता है और आप इसको इसका सबसेट दिखाई दिए तो गलत है, इंदौर महाराष्ट्र में नहीं आता है, गलत, सही है? अबे समझ में आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि मुंब्रा जहां हम रहते हैं, मुंब्रा इज अ सबसेट ऑफ दुबई, तो सहमत हो, एग्री हो, आप एग्री करोगे? नहीं, मुंब्रा दुबई से छोटा है, लेकिन क्या मुंब्रा दुबई में आता है? तो सिर्फ छोटे होने से सबसेट वाला रिलेशन नहीं फुलफिल होता है, जो सबसेट है उसके एलिमेंट बड़े वाले से बिलोंग भी करना चाहिए। तो वैसे ही सिटी और स्टेट, इंदौर एंड महाराष्ट्र, हाँ इंदौर महाराष्ट्र से छोटा है लेकिन इंदौर महाराष्ट्र में नहीं आता है, ठीक। चलो तो फिर हम सिटी पे है ना, सिटी महाराष्ट्र और पुणे का हो गया, अब और सिटी दिख रहे का? और सिटी दिख रहे, हाँ एक सिटी और है, इंदौर महाराष्ट्र में नहीं आता है ना, लेकिन इंदौर आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो आता है। अरे समझा, तो मैं सिटी से स्टेट कर लिया, हाँ पुणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश। अब अगर सिटी स्टेट का सबसेट है, मतलब सिटी स्टेट से छोटी भी है, सिटी स्टेट में भी आ रही है, सिटी और कंट्री का क्या होगा? पुणे इंडिया का सबसेट है जो कि बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और
इंदौर भी इंडिया का सबसेट है जो कि बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आया? अबे समझ में आया, पढ़ो पढ़ो। जो पुणे इंडिया का सबसेट है, हाँ पुणे इंडिया से छोटा है, हाँ पुणे इंडिया में आता है। इंदौर इंडिया का सबसेट है, हाँ इंदौर इंडिया से छोटा है, हाँ इंदौर इंडिया में आता है। तो पहले सिटी से स्टेट और फिर सिटी से कंट्री। ठीक, अरे ठीक, मेरा पहला काम हो गया, मैंने सिटी का काम कर दिया। सही, सिटी की चेकिंग हो गई, अब स्टेट। चलो स्टेट सिटी है इसको चेक नहीं करेंगे, मैं क्रॉस कर देता हूं। सिटी है इसको चेक नहीं करेंगे। स्टेट मध्य प्रदेश जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सबसेट है इंडिया का जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र एच से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। सही सही। तो जब सिटी की चेकिंग हो चुकी है अब स्टेट की बात। मध्य प्रदेश इंडिया से छोटा है, मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, इसलिए एम इज अ सबसेट ऑफ बी। स्टेट और कंट्री, वैसे ही महाराष्ट्र इंडिया से छोटा है, महाराष्ट्र इंडिया में आता है, एच इज अ सबसेट ऑफ। ठीक सही है, अरे सही है। अब स्टेट भी हो गया, अब क्या बचा? कंट्री एक ही बचा हुआ है ना, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। यहीं पे चीज खत्म, सब खत्म, सब खत्म। इतना ही इतना है, एक दो तीन चार पांच। समझ में आ रहा है? देखो सोच ना बहुत गहरी है, लेकिन जो उसका सोल्यूशन है वो बहुत छोटा है। तो सोच गहरी रखो, अच्छा सोचो, सम तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? एक बार फिर देखते हैं और फिर लेक्चर एंड करते हैं। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। P नाम का सेट है इसमें पुणे में रहने वाले लोग, M नाम का सेट है इसमें मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग, I नाम का सेट है जिसके अंदर इंदौर में रहने वाले लोग, B नाम का सेट है जिसके अंदर इंडिया में रहने वाले लोग, H नाम का सेट है जिसके अंदर महाराष्ट्र में रहने वाले लोग। तो मैंने देखा कहीं कहीं सिटी का जिक्र हो रहा है, कहीं कहीं स्टेट का जिक्र हो रहा है, कहीं कहीं कंट्री का जिक्र हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ऐसे लेवल बनाया, सबसे छोटा सिटी तो सबसे पहले, फिर स्टेट, है ना। सिटी स्टेट का सबसेट होगा क्योंकि सिटी स्टेट से छोटा होता है। अगर सिटी स्टेट का सबसेट है, सिटी कंट्री का भी सबसेट होगा। तो पहले सिटी को स्टेट से पढ़ने का। सिटी पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, हाँ पुणे महाराष्ट्र से छोटा है, पुणे महाराष्ट्र में आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं पुणे इज अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, नहीं, पुणे मध्य प्रदेश से छोटा है लेकिन पुणे मध्य प्रदेश में नहीं आता है। तो पहले सिटी से स्टेट चेक करने का। तो देखो सिटी से स्टेट, सिटी से स्टेट, सही सही। फिर जब सिटी से स्टेट हो गया है तो सिटी से कंट्री चेक करने का। पुणे इंडिया का सबसेट है, हाँ पुणे इंडिया में आता है, पुणे इंडिया से छोटा भी है। इंदौर इंडिया का सबसेट है, हाँ इंदौर इंडिया से छोटा भी है, इंदौर इंडिया में भी आता है। तो सिटी से स्टेट, सिटी से कंट्री हो गया, सिटी का काम हो गया, मैंने क्रॉस कर दिया। अब जब सिटी का काम हो चुका, स्टेट दो स्टेट है यहां पे, मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट है, हाँ मध्य प्रदेश इंडिया से छोटा है, मध्य प्रदेश इंडिया में भी आता है। महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, हाँ महाराष्ट्र को एच से दिखाओगे और इंडिया को बी से दिखाओगे। महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, हाँ महाराष्ट्र इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इंडिया, प्लस महाराष्ट्र इंडिया में भी आता है। तो जो हमसे सबसे प्रदेश मांग रहा था वो ये रहा। ठीक, आपको मेरे कराए हुए सम के नोट्स बनाने हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा सॉल्यूशन आपके स्कूल वाले टीचर या आपको जो हमने गाइड दिया है उससे मैच करें। ठीक, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी कही हुई चीज समझ में आ रही है, और अगर आप चाहते हो कि आप को और चीजें ऐसे ही समझ में आए तो मुझे ही फॉलो करो। मेरे कराए हुए सम का एक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखते रहो खूबसूरत राइटिंग्स।
मैंने आपको कल भी अनाउंस किया था कि हम सितंबर में आपका टेस्ट लेने वाले हैं और वो टेस्ट आपके स्कूल जैसा नहीं होगा कि एमसीक्यू आया और आपने टिक कर दिया, नहीं, वो थोड़ा अलग होगा, आपको मुश्किल होगा। तो उस टेस्ट की तैयारी आज से ही शुरू करो, आधी आधी बुक पढ़ दो। अगर हिस्ट्री में 10 लेसन है तो 5 लेसन पढ़ के रखो, अगर ज्योग्राफी में 20 लेसन है तो 10 लेसन पढ़ के रखो, आधी आधी बुक पढ़ के रखो। अभी हमारे पास 15-20 दिन है, तो टेस्ट की तैयारी अभी से करो, तब जाके आगे भारी नहीं पड़ेगा। और अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो कि सर टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। पढ़ना शुरू करो, मैथ्स पे कम फोकस करो, लर्निंग सब्जेक्ट और लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दो, और ईमानदारी से काम करो, किसी को बेवकूफ मत बनाओ, वरना अंत में बेवकूफ बनने वाले आप ही हो, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी अगर आप फेस कर रहे हो पढ़ाई को लेके, तो आप क्लास आ सकते हो, अपनी क्वेरीज को लेके हम इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, ठीक है। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं, कल फिर मिलेंगे इस 1.3 के बचे हुए सम के साथ, तब तक के लिए।